हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। माय नेम इज प्रशांत। वेलकम अनुष्का, गीता, अंजलि, अशोक। कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का ग्रेट ग्रेट वेलकम। ठीक है, चलो सभी लोग फटाफट आ जाओ, फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे इस क्लास को मजेदार तरीके से। ठीक है, चलो तो फटाफट सब लोग आ जाओ। वेलकम अनुज, वेलकम अल्फैज, उन्नति, अनिकेत, राहुल, हाउ आर यू तनुजा? कैसे हो? आज अपन फिर से सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन का सबसे डिटेल्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इसे वापस से अगेन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के इस प्यारे से टॉपिक को। ठीक है, सो कोई भी टेंशन नहीं लेगा, एकदम मजा आ जाने वाला है क्लास को पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। वेलकम सलोनी, वेलकम बबली पवार, वेलकम रवि, दयानंद, संस्कार, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो सभी लोग फटाफट आ जाओ इस क्लास में, फिर अपन स्टार्ट करेंगे फटाफट। ठीक है, डोंट वरी सतीश, आई विल प्रोवाइड यू। वेलकम डिवाइन गुरु, थैंक यू सो मच। वेलकम आरडीएक्स, परिमल, धनंजय, समीक्षा, पूर्वा, रेणुका, सलोनी, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? इसके पहले वाला लेक्चर में बहुत ही मजा आया रहा होगा। आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देता हूँ, बहुत से लोग मांग मांग रहे हो। ठीक है, रुको, हाँ ठीक है, रुक जाओ जरा, एक मिनट एक मिनट। ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अगर कोई भी तुम में से न्यू इंडियन एरा के व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप के लिंक में है, ठीक है, सो वो ज्वाइन मत होना, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ग्रुप में हो तो कोई मतलब ही नहीं है ज्वाइन होके। सो ये मैंने लिंक दे दिया है, जाओ फटाफट ज्वाइन हो जाना, उसमें मेरा नंबर भी है व्हाट्सएप का, तो पर्सनल मैसेज वगैरह मत करना, क्योंकि मेरा वही एक पर्सनल नंबर भी है। तो ऐसा है, तो थोड़ा समझो मेरी भावनाओं को। 4,000 से ज़्यादा मैसेज उसमें पड़े हैं। अब 4,000 से ज़्यादा मैसेज हैं तो इतने सारे मैसेज का रिप्लाई तो मैं दे नहीं पाऊंगा ना एक बार में, तो आई होप आप सब समझोगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं यार, चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। वेलकम अनुष्का, अनुष्का हंस रही है। यस सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज, यस लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज हमारा सेल डिवीजन है अगेन, बट ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी ने एक बहुत ही अच्छा विनर्स वीक लॉन्च किया है। ये जो हफ्ता है बहुत ही मजेदार है, पूछो और जीतो, ऐसा ये विनर्स वीक है। पूछो और जीतो मतलब तुम 10 क्वेश्चन डाउट पूछोगे, उसका आंसर तुम्हें मिलेगा, और गेट 15 डेज फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन मतलब जहां पे टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लियरिंग सेशन, सिलेबस कंप्लीशन, ये सब कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन वालों को अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। तो ये 15th से लेके 21 नवंबर तक रहेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको लिंक मिलेगी। तो गेट 15 डेज ऑफ फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन 10 डाउट पूछने पर। गाइस आप सबको बता दूं कि आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो एनी टाइम, 24/7। हाई क्वालिटी वीडियो मिलेंगी, सॉल्यूशन और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तुम 1 लाख से ज्यादा बच्चे अभी तक सारे के सारे सॉल्यूशन ले चुके हैं, आप लोग कितने भी क्वेश्चंस का आंसर वहां पे पा सकते हो। होमवर्क और एग्जाम्स का असिस्टेंस भी आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब डेफिनेटली ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। गाइज आप सबको बता दूं कि यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया हुआ है, इस डायरेक्शन को आप सब फॉलो करोगे। ठीक है, ए भाई मैंने क्या कर डाला रे बाबा, ए मेरा लैपटॉप हैंग होने लग गया रे, क्या है यार, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसको तो मैंने छोटा किया ही नहीं और मैं बस बोलते जा रहा था। ओके चलो, तो गाइज यहां पे अब देखो, अब समझ में आएगा।
एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, अब देखो, अब दिखेगा। तो गाइज अन अकेडमी ने लॉन्च किया है विनर्स वीक, यहाँ पे 10 डाउट तुम लोग पूछोगे ना, तुम लोग अगर गाइज यहाँ पे 10 डाउट पूछोगे, जरा यहाँ ध्यान दो अब समझेगा, अगर तुम लोग 10 डाउट पूछोगे तुम लोग को 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रे बाबा जाओ रे बाबा, देख लो फटाफट सब लोग, ठीक है। अन अकेडमी का एप्लीकेशन लॉन्च करो, आस्क अ डाउट करके एक फीचर है, उस फीचर में जाने का, आस्क अ डाउट फीचर में, वहां पे क्लिक करके 10 डाउट पूछने का और 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, जहां पे तुम हाई क्वालिटी नोट्स इंग्लिश हिंदी में मिलेगी, एनी टाइम कभी भी डाउट पूछो, रात को 2 बजे उठ के भी डाउट पूछोगे ना उसका आंसर मिलेगा तुम्हें, और 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर तुम वहां पे पूछ सकते हो। आप सबको अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखो, एवरीथिंग फॉर फ्री, आस्क 10 डाउट्स एंड विन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और अगर कोड मांगेगा तो कोड NIE यूज करना, कैपिटल लेटर NIE, ठीक है, कैपिटल लेटर में NIE, यही कोड यूज करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन फ्री में, ठीक है, जो भी है। तो इस बात को आपको ध्यान देना अच्छे से। थैंक यू सो मच संचित, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। तो गाइज हमने इसके पहले बहुत कुछ पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लेना, ठीक है। हम लोग ने बहुत कुछ इसके बाद पढ़ा था, ध्यान दो अच्छे से। तो अब जरा यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, जरा लिसन केयरफुली। हमने सेल डिवीजन नाम के टॉपिक को स्टार्ट किया था, हमने क्या स्टार्ट किया था, सेल डिवीजन नाम के टॉपिक को हमने स्टार्ट कर दिया था। अब आज हम सेल डिवीजन के इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कल मैंने पूरा बेसिक आपको बता दिया था अच्छे से, ठीक है। चलिए तो सेल डिवीजन के अंदर जरा ध्यान दो अच्छे से, दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। एक बार रिवाइज करा देता हूं फटाफट 2 मिनट के अंदर। तो माइटोसिस जो एग्जैक्टली होता है, तो माइटोसिस हमारा स्टेम सेल में होता है, और जो माइटोसिस है वो हमारा सोमेटिक सेल में भी होता है, सोमेटिक सेल। मियोसिस जो होता है वो हमारा जर्म सेल में होता है, जर्म सेल हमारा डिप्लॉइड इन नेचर होता है, इसी को फिर हैप्लॉइड में कन्वर्ट करके हमारा गैमेट्स बनते हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो, ठीक है। तो यहां पे हमारे गैमेट बनते हैं, तो इस बात को आप सबको समझ के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कार्योकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। चलो, और मियोसिस जो है ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। अब आगे बढ़ते हैं। जो कार्योकाइनेसिस है, कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। ये लिख के रखो अच्छे से, मैंने साइड बाय साइड आप लोग के लिए लिख दिया है, फटाफट गाइस एकदम अच्छे समझते जाओ। चलो, कार्योकाइनेसिस के अंदर ना 4 स्टेप होते हैं। तो पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज। ये चारों फेज बहुत बड़े बड़े हैं, और लास्ट वाला है हमारा टीलोफेज। गाइस जब टीलोफेज हो जाता है उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस डन होता है। चलो, हम एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जानेंगे, जो हमारा सेल डिवीजन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। जो हमारा सेल डिवीजन है ये 2 टाइप का था, माइटोसिस एंड मियोसिस। मैंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम वगैरह सब तुम्हें बता दिया था। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो हमारे बॉडी में डिप्लॉइड सेल होते हैं इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जो हैप्लॉइड सेल होते हैं उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो माइटोसिस बेसिकली क्या करता है, 2n नंबर ऑफ वाले सेल को डिवाइड करता है और 2n ही बना देता है, कॉपी कैट करता है। और मियोसिस में क्या होता है कि ये 2n वाले को हाफ में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने का काम मियोसिस करता है, और डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनाने का काम
माइटोसिस करता है। तो यहां तक आप सबको समझ गया होगा। ओके अनुष्का, वेलकम माउली, दत्तू, शूटिंग, सलोनी, सब लोग यहां ध्यान दो। नहीं पढ़ना है आप लोग को साइंस, साइंस के लेक्चर बंद कर दूं, मैथ्स का स्टार्ट करूं, साइंस नहीं लूं, मेरा क्या है बताओ। हाँ मैं सर्कल लेसन स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी, बस तुम लोग बोलो। साइंस का नहीं लूं लेक्चर, सबको मैथ्स चाहिए। रवि मौर्य, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। साइंस ही ठीक है, क्योंकि आजकल मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं वन शॉट लेक्चर सिमिलरिटीज और जितने भी साइंस वन साइंस टू के तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा ना, बोर्ड एग्जाम आएगा ना तो पूरा मैथ्स का रिवीजन करवा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो। इस साल के बच्चों के लिए तो अभी मैथ्स का देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत इशू है यार। बट स्टिल मैं ठीक है, देखता हूँ कि मैं मैथ्स लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ। ठीक है चलिए अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, लिसन केयरफुली, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम डिटेल में माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यार, माइटोसिस में डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेम टू सेम सेल बनता है, और इसीलिए दो पार्ट में होता है। एक है कार्योकाइनेसिस, तो काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और दूसरा है हमारा साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, साइटो का मतलब न्यूक्लियस। इस चीज को एकदम समझ के रखो अच्छे से। हाँ चलिए, अब कार्योकाइनेसिस भाई एक फेज में नहीं होता, ये चार स्टेज में होता है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज। ये नोट्स जो बना के दे रहा हूं ना, ये नोट्स की कीमत तुम क्या जानो, टेंथ के बच्चे पढ़ने वाले बाबू। ये नोट्स की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये कार्योकाइनेसिस में चार स्टेप्स होते हैं। अच्छा, ऐसे स्टेप्स क्यों होते हैं? ये जो हमारा सेल है, और सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब मुद्दा स्टार्ट होता है, जब जिस बच्चे का फोकस यहां पे रहेगा वो बच्चे को अच्छे से समझेगा, जिस बच्चे का फोकस यहां नहीं रहेगा उस बच्चे की लग जाएगी वाट। तो ये है साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस। तो आप ही बताओ, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो क्या पहले ही हम ऐसा बीच में डिवाइड कर, डिवीजन कैसे होता है? ऐसा फाड़ के दो अलग कर दोगे क्या? ऐसा कर दोगे क्या? ऐसा डिवीजन होता है क्या? ऐसा डिवीजन होता है क्या? बोलो रे बाबा, क्या कर रहे हो तुम लोग, बोला करो ना थोड़ा, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है? बोलो, ऐसा डिवीजन होता है? नहीं। तो ऐसा डिवीजन नहीं होता है। सबसे पहले अंदर के न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है। जब अंदर का न्यूक्लियस दो दो डिवाइड होता है, तब जाके बीच में से डिवीजन होता है, और इस तरह से हमारे दो सेल क्रिएट होते हैं। समझा? इस तरह से डिवीजन होता है। तो सबसे पहले किसका डिवीजन? स्टेप वन, न्यूक्लियस का डिवीजन, और स्टेप टू में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इस तरह से हमारा माइटोसिस कवर होगा। चलिए तो अब हम सीखना चालू करते हैं। तो आदर्श शुक्ला नाम का यहां पे एक लड़का आया है, कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता अपने पापा की आईडी से आया होगा, तो इसके पापा का नाम आदर्श शुक्ला होगा। तो ये आदर्श शुक्ला चार बार सलोनी का नाम ले चुका है। कितने बार? चार बार। इससे ज्यादा बार अगर ये कार्बोहाइड्रेट के चारों नाम अगर रिवाइज करता ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो इसको याद हो जाता। लेकिन नहीं, शुक्ला जी को तो सलोनी पसंद है।
अभी शुक्ला जी को पढ़ाई थोड़ी करनी है, आईएएस वाईएएस हम बन लेंगे, इंजीनियर देश का हम बन लेंगे, ये काम इनको कर लेने दो, पढ़ाई लिखाई हम कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो, आईएएस मैं बन जाऊंगा, इंजीनियर मैं बन जाऊंगा, डॉक्टर मैं बन जाऊंगा, ये सब कुछ मैं बन जाऊंगा, नहीं इनको ये कर लेने दो, इनको इनको पढ़ाई के अलावा सब कुछ पसंद है, फिर यहां काहे को आते हो यार, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं खुद ही तुम्हें इतना एंजॉय कराता हूं, मैं खुद ही हंसाते रहता हूं, तुम्हें कहीं और मजे लेने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा इमेजिन करो कि अगर ये खुद के नंबर से नहीं आया रहेगा, अपने पापा की आईडी से आया रहेगा, तो इसके पापा का नाम आदित्य शुक्ला है और अगर ये खुद की आईडी से आया रहेगा तो और अच्छी बात है। तो मतलब कर ही क्या सकते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सलोनी के चक्कर में घूम रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी काल आए हैं दुनिया में, 15 के भी नहीं हुए होंगे, सब जानते हैं हार्मोनल चेंज हो रहा है ना, क्या करेंगे, हार्मोन्स अंदर से निकल रहा है। वो इंस्टाग्राम में एक रील देखा है, वो एक कुत्ता रहता है तो बोलता है ताकत चरर चरर बोल रही है। बस वही हाल है। चलो कोई नहीं, तो यस एग्जैक्टली अभी समझते हैं स्टेप वन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो डिवीजन है इसके बारे में अभी जरा यहां ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेप टू साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला डिवीजन यहां होगा, दूसरा डिवीजन यहां होगा। चलिए इसी चीज को डिटेल में समझना है। तो जो यहां पे हमारा पहला डिवीजन है कार्योकाइनेसिस वाला, इसी में चार चार स्टेप हैं। अब इन चारों स्टेप को हम जब परफॉर्म करेंगे तब जाके हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, डबल होगा, तब जाके हमारा न्यूक्लियस एक से दो बनेगा। समझने में क्या बोल रहा हूं, तो इस बात को आपको ध्यान देना अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, जरा यहां पे ध्यान दो अच्छे से, लिसन केयरफुली, ठीक है। चलो तो अब यहां पे जरा आगे की तरफ निकलते हैं, अब डिटेल में हम इन चीजों को समझेंगे। यहां देखो तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्योकाइनेसिस। सबसे पहला स्टेप जो सबसे हार्ड है प्रोफेज, हम इसको समझेंगे अब प्रोफेज को। तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल सा सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर क्रोमोसोम डीएनए वगैरह प्रेजेंट है। अब चलो इसका प्रोफेज स्टेप परफॉर्म करते हैं, यहां जरा ध्यान दो अच्छे से, अब इसका हम लोग प्रोफेज स्टेप परफॉर्म करते हैं, जरा लिसन केयरफुली, यहां ध्यान दो। तो ये हमारा पहला स्टेप है, प्लीज ध्यान देना, ये हमारा प्रोफेज है। अब प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ध्यान देना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। आई होप आपको समझ गया होगा मैं जो बोला। पहला पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। दूसरा चीज, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स बिगिंस, मतलब कि क्रोमोसोम प्रॉपर ऐसे ऐसे स्टेप्स में आ जाएंगे। पहले देखो कैसा भी थे ना, पहले हमारे क्रोमोसोम कैसे भी थे, अब हमारे देखो क्रोमोसोम कैसे बन रहे हैं। आई होप आपको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहले हमारे क्रोमोसोम कैसे भी थे, ठीक है, यहां पर जरा ध्यान दो अच्छे से, लिसन केयरफुली प्लीज, यहां ध्यान दो अच्छे से। तो इस चीज को एकदम यहां पे जरा दिमाग में अपने बिठा लो,
तो ये जो हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली चीजें हैं, ये हमारा पूरा क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन होना इसका स्टार्ट हो गया। तो डिकंडेंसेशन ऑफ, लिख देता हूं मैं सारे पॉइंट को, लिखते जा रहा हूं जिसको तुम एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स। डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बिगिंस। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी। यहां पे क्या होता है ना, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। तो ये जो चीज होती है ना, यहां पर जरा लिख देना अच्छे से, जो यहां पे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है स्टार्ट्स डुप्लीकेटिंग, एक का दो बनना चालू हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक से दो बनना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोफेज में होता है, तो ये लिख दो यहां पे, सेंट्रियोल स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ये पॉइंट अच्छे से एकदम याद कर लो। तो हमारा जो नॉर्मल सेल होता है प्रोफेज में, ये ऐसे बन जाता है। चलिए अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट फेज में, जिसका नाम है मेटाफेज। अब जरा ध्यान से देखना मेटाफेज में क्या होगा। तो पहले प्रोफेज वाले सेल को उठा के लेकर के आते हैं हम लोग मेटाफेज में, ठीक है, जरा ध्यान दो अच्छे से। तो ये हमारा सेल था, हमारा न्यूक्लियस क्या हुआ था, डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुका था प्रोफेज में। हम प्रोफेज वाले सेल को यहां लेके आ रहे हैं। जो हमारा सेंट्रियोल था वो दो से, एक से दो बनने वाला था, और जो हमारे क्रोमोसोम थे वो डिकंडेंस होना शुरू हो गए थे। समझ रहे हो, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ डाउट रहेगा पूछ लेना तुरंत। चलिए ये सब हमारा प्रोफेज में हुआ था। अब चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। यहां पे जरा ध्यान दो अच्छे से, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये कौन है, इसको ब्लॉक मारने को पहला, रिप्लेस रिमूव रिमूव हाइड रिमूव, ओके। और ये बंदा, इसको हाइड यूजर ऑन शेयर, ओके। अब ये कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। चलिए अब यहां देखो जरा अच्छे से, लिसन केयरफुली, अब यहां पर जरा लिसन केयरफुली ध्यान दो। तो ये चीजें यहां तक प्रोफेज में हुई थी। मनीष पवार होएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब यहां पर जरा लिसन केयरफुली, ये हमारा प्रोफेज में हुआ था। अब हम इसको मेटाफेज में लेके चलते हैं। आखिर मेटाफेज में क्या होगा, तो जरा ध्यान देना अच्छे से। मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर हमारा देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हुआ था ना, तो यहां पर टोटली डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर्ड, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स गेट्स डुप्लीकेटेड, सेंट्रियोल्स पूरे के पूरे डुप्लीकेटेड हो जाएंगे। डुप्लीकेटेड मतलब सेंट्रियोल वहां से डुप्लीकेट होकर के, और दो था ना ये दोनों, देखो अलग अलग प्लेस पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से। हमारे क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जितने भी क्रोमोसोम्स रहेंगे सबके सब में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, इस बात को समझ के रखना। और हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे कुछ इस तरह से रहेंगे। अब अपने पास प्रॉपर डायग्राम बनाने की सुविधा नहीं है तो ऐसा देख लो, ये करेक्ट है। और इस तरह से यहां पे ये स्पिंडल फाइबर क्रिएट होगा। फिलहाल हम आगे चल के इसको टेढ़ा कर देंगे, अभी के लिए ऐसे ही समझ लो। तो ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये हमारा सेंट्रियोल है, और ये हमारा क्रोमोसोम है। तो ये हमारा मेटाफेज का हाल है। तो पहले हमने नॉर्मल सेल को प्रोफेज किया, प्रोफेज से अब हमने मेटाफेज कर दिया। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा सेल क्या हो रहा है। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है,
जल्दी बोलो, वेलकम वैभव वैशाली मडवी वैभवी समृद्धि पूर्वा साहिल, बोलो जल्दी फटाफट। जयश्री अनुष्का एसएससी अभिषेक दत्तू माया। चलिए तो यहां तक क्लियर होगा। अब हम मेटा फेज को एना फेज में लेके जाएंगे। तो अब हमारा अगला फेज है एना फेज। तो हमने पहले देखना है कि मेटा फेज में हमने क्या देखा था। तो मेटा फेज में हमने देखा था कि हमारा सेंट्रियोल दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो दो पार्ट्स में यहां पे इस तरह से लाइन में आ गए थे और यहां से स्पिंडल फाइबर गया था। हमने ये देखा था, ये हमारा मेटाफेज में होता। अब हम इसको लेके चलते हैं एनाफेज में। अब जरा ध्यान देना, एनाफेज में क्या होगा, जरा यहां पे लिसन केयरफुली, एकदम शॉर्ट में सब तुम्हारे बुक में दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया। अब एनाफेज में क्या होगा जरा ध्यान देना, जो ये हमारा सेंट्रियोल है, तो देखो क्या होता है ना यार, कि जैसे कि ये देखो हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है और ये हमारा सेंट्रियोल है, ये हमारा सेंट्रियोल है। तो जो इनके बीच में से ये हमारा जाता है ना स्पिंडल फाइबर, तो जो ये बीच में से जा रहा है ना, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। इतना भी डिटेल में जान दो मत जानो, इतना तुम्हारे बुक में नहीं दिया। यहां से क्या करना है हमें, डिवाइड करना है, हमें इसे डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, और देखो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ऊपर का पार्ट ऊपर नीचे का पार्ट नीचे, इस तरह से हो जाएगा ये, समझा। ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, देखो यही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। हमारा बीच में से एक प्लेन पे आने के बाद ये डिवाइड होगा पूरा का पूरा। तो ये देखो ये आधा आधा पार्ट ऊपर नीचे चला जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझेगी जो मैंने बोला। ऐसा होता है हमारे एनाफेज में, समझने में क्या बोल रहा हूं। तो ये देखो, और बाकी का स्पिंडल फाइबर वैसे ही रहेगा। आई होप आपको यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये हमारे एनाफेज का हाल है, समझा मैं क्या बता रहा हूं। यस ड्रीम डॉक्टर वैभवी कार्टून अतुल मोनिका, सब लोगों को समझा, जल्दी जल्दी यहां पे ध्यान दो। क्लियर है क्या, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, क्लियरिटी बढ़ा लो, सब सही हो जाएगा। इंग्लिश का लेक्चर जल्दी लाऊंगा, मैथ्स मैं नहीं लाऊंगा, एक टीचर को बोलने वाला हूं लाने के लिए। मैथ्स के लेक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है एक, कि टाइम का मैनेज करके, आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, कल से मैं पूरा टाइम एकदम अपना फिक्स करता हूं और फिर से मैं कल से मैथ्स का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो मैं सिमिलैरिटी नहीं तो फिर सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, लाइव लेक्चर लूंगा, टेंशन मत लेना तुम सब लोग। चलो अब यहां पे जरा आ जाओ अच्छे से, ओके। चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस तरह से। अब जरा ध्यान देना, ये एनाफेज हमारा खत्म। अब इस एनाफेज को हम अब लेके आएंगे टीलोफेज में। ये टीलोफेज हमारा लास्ट फेज होता है न्यूक्लियस डिवीजन का। यहां पे हमारा क्या हुआ था आपको तो पता ही है, हम पहले एनाफेज की बातों को यहां लिखेंगे कि एनाफेज में हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम्स डिवाइड होके आधे आधे होके एक एक तरफ चले गए थे, ठीक है, इस तरह से। देन ये देखो यहां पे इस तरह से इनका डिवीजन हो गया था। अब इसको हम लेके चलते हैं टीलोफेज में। तो जरा ध्यान देना, टीलोफेज में अब क्या होगा, ये जो भी यहां पे हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपियरिंग, देख लो अच्छे से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो गया और वापस से, मतलब ये प्रोफेज का एकदम उल्टा है। तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
स्टार्ट्स अपियरिंग। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, सारे के सारे हमारा यहां पे जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर, देखो यहां पे न्यूक्लियस क्रिएट हो जाएगा पहले जैसा। समझाएगी नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये हमारा टेलोफेज में न्यूक्लियस बन गया। तो ये देखो अंदर हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन डन हुआ। हमने पहले क्या बोला था कि सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, स्टेप वन। तो स्टेप वन हमारा कार्योकाइनेसिस खत्म हो गया। चार स्टेप में हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, चार स्टेप में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चार स्टेप में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका डिवीजन करेंगे। अब हम यहां पे स्टेप टू करने वाले हैं। तो चलो अब इसी चीज को लेके चलते हैं स्टेप टू में। यहां क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे। साइटोकाइनेसिस यहां पे अब करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। तो लेके आता हूं मैं उस चीज को जो हमें मिला टेलोफेज में। तो यहां पे क्या होगा, इस तरह से चीजें यहां पे होंगी और बीच में से डिवाइड होके ये हमें यहां पे दो सेल दे देगा। ये यहां पे डन हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट माइटोसिस कवर होता है। स्पिंडल फाइबर हमारा गायब हो गया, डीजनरेट हो गया, उसने हेल्प कर दी फॉर्मेशन में, क्रोमोसोम्स के डिवीजन में। समझ में आया अच्छे से? तो चलो इस बात को अब यहां पे ध्यान देना, जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा था। टेंथ के लेवल में जितना दिया है मैंने डिटेल में, तुम लोग को उतना बता दिया, ठीक है? यस। तो इतना आप लोग को एकदम दिमाग में अपने बिठा के रखना है। तो हमने सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन किया। देखो यहां पे हमने न्यूक्लियस को टेलोफेज तक डिवाइड कर दिया, और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस कर दिया, तो दो सेल बन गए हमारे, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से। तो कितने बच्चों को समझा, मतलब मजा आया कि नहीं मजा आया ये बताओ। माइटोसिस हमने पढ़ लिया पूरा, मजा आया कि नहीं मजा आया? अरे भाई ऐसा पढ़ाया हूं कि जिस बच्चे ने ध्यान से देखा होगा ना, कसम से कहता हूं उसने बहुत इंजॉय किया होगा। बाकी तो जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है उनका कोई यही नहीं है, उनको क्या ही करना है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। चिंदी बना डाला रे भाई, चिंदी बना डाला, यस। तो इस जो भी नोट्स लिखवा के दिया है, डायग्राम जो बना के दिया है पूरा, तुम्हारे बुक में डायग्राम भी नहीं बनाया है। जितना डायग्राम मैंने बना के दिया उन सबको डायग्राम को एकदम दिमाग में एकदम याद करके रख लो, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बना के देता हूं, सोच लेना, प्रॉपर नोट्स बना के देता हूं। इन सारी नोट्स को भी पढ़ लोगे ना तो भी तुम चमक जाओगे, ठीक है। चलो अब आगे निकलते हैं। तो हमारा लास्ट का जो पार्ट है जिसे अब हम कहेंगे मियोसिस। तो चलो थोड़ा मियोसिस समझा दिया जाए। तुम्हारे बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है मियोसिस, मैं थोड़ा ही बताऊंगा जितना दिया है। तो मियोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्लास इलेवेंथ में मियोसिस पढ़ोगे, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन एंड मियोसिस टू दो पार्ट में मियोसिस होता है। मियोसिस में पहला पॉइंट, डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड बन जाती हैं, मतलब कि जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर नोट करूं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ। इस बात को समझ के रखो अच्छे से, ये हमारे माइटोसिस का हाल है। बेसिकली माइटोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल। माइटोसिस हमारा, मियोसिस हमारा जर्म सेल में होता है। बहुत बढ़िया ब्लैक गेमिंग। चलो यहां देखो, अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दे दी है, ऊपर येलो कलर का न्यू इंडियन एरा लिखा है ना, वहीं पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सब बच्चे ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी जाके, ठीक है। चलो तो यहां तक की बातें आप सभी बच्चों को यहां पे ध्यान में रखना है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, ऑकर्स इन जर्म सेल। तो ये मियोसिस का पूरा फंडा था। एग्जैक्टली मैं आप सबको बता दूं कि जो मियोसिस होता है ये
हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट तो तुम जानते ही रहोगे क्या होता है। गैमेट एक री, किसी ने पूछा व्हाट इज गैमेट, तो बता देना इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। ये दो टाइप का होता है, मेल और फीमेल। मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम। ओवम तो मेल फीमेल में स्पर्म एंड ओवम ये सब बनता है मियोसिस की हेल्प से। मतलब अगर मियोसिस नहीं होगा ना तो समझ जाओ कि हम सब इंसान जिंदगी में कभी इस दुनिया में आएंगे ही नहीं। तो मियोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। नेक्स्ट चैप्टर यही है, मजा आएगा पढ़ने में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस, और माइटोसिस हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो माइटोसिस जो होता है ये हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये पॉइंट याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो तो इस बात को ध्यान देना अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जो कहना भाई सीधा कहना। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत मजा आएगा, सब लेक्चर ज्वाइन करना। और मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम खुल के पढ़ाऊंगा, ओपनली, बिंदास, जो कहना है सीधा ईयरफोन लेके पढ़ने का। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? चलो यहां तक की बातें क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट बोलो। अरे भाई ये स्पोर्ट्स कौन है भाई, ये स्पोर्ट्स वाला बंदा कह के हंस रहा है लेकिन सेक्सुअल की स्पेलिंग देखो ये लिख रहा है। पा तुमसे ना हो पाएगा भाई, तुम रहने दो। देख रहे हो सेक्सुअल की स्पेलिंग ये लिख रहा है, तो इसीलिए कह रहा हूं तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो तुम। चलो यार मैं बता देता हूं, तो ये होता है सेक्सुअल का स्पेलिंग। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो इस बात को समझ के रखना अच्छे से। तो इस बात को यहां पे तुम सबको क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको सब कुछ यहां पे बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब समझा के दिया है, ईच एंड एवरीथिंग बढ़ा के दिया है। तो गाइज आप सभी लोगों का सपोर्ट एकदम बना रहे आज के टॉपिक को पढ़ने में। मैं लास्ट में ना वन शॉट वीडियो भी लेके आऊंगा, अभी नहीं जनवरी महीने में, अभी नहीं लाऊंगा, जनवरी महीने में लेके आऊंगा, ठीक है। अभी नहीं लाऊंगा, जनवरी मंथ में लेके आऊंगा, ठीक है। जनवरी मंथ में मैं वन शॉट लेक्चर भी लेके आऊंगा, वो भी डिजिटल बोर्ड में लाऊंगा, जैसे पिछले साल के बच्चों को दिया था, लाइव लेक्चर रहेगा। यस, तो अब बोलो क्या हाल चाल है, कैसे हो? अब तुम लोग के कमेंट्स भी देख लूं। मैथ्स की क्लास कल से रखता हूं, ठीक है। चलो तो मैथ्स की क्लास मैं कल से लूंगा, ओके। चलो टेंशन मत लो। गुन्ना गुंडा बना डाला, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो फटाफट सारे बच्चे आ जाओ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। नीचे इंस्टाग्राम की आईडी लिखी है, जाके फॉलो भी लो, मार लिया करो यार, क्या कर रहे हो। मियोसिस अपने बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, जितना बता दिया हूँ मियोसिस के बारे में उतना ही लिख लो। ये देखो मैं भी सेशन देख रहा हूँ यहाँ पे, भाई किसका कॉल आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ना मैं जो बोल रहा हूँ? तो इस बात को एकदम दिमाग में अपने बिठा लो। चलो तो अब चलते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, ये लड़का कह रहा है तन्मय की रिप्रोडक्शन सर प्रैक्टिकल बताना, ठीक है। मैं तन्मय को ले लूंगा एज अ ऑब्जेक्ट और इसी का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो तन्मय रेडी रहना तुम। भाई मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, ठीक है, ऐसे वैसे मत समझना, पंगे मत लेना, नहीं तो रोस्ट कर डालूंगा पूरा एकदम फिर, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं। तो यहां तक समझ गया अच्छे से, कल थोड़ा इश्यू हो गया इस वजह से सेशन नहीं हुआ। चलिए अब आगे निकलते हैं गाइस, मैथ्स टू कल से शुरुआत करूंगा, चलो ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच चांदनी। चलिए ठीक है, अब निकला जाए, अब चलते हैं, ठीक है। अब निकलते हैं, कल मिलेंगे। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं अभी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर मार देना, ठीक है। और कल के लेक्चर में मिलेंगे अभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।